हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ चेतन ठाकुर। टुडे यू लर्न स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, तो आज फिर से वही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 में हम ये फर्स्ट जो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ऐसे जो सम थे वो हमने सॉल्व कर दिए थे। आज हम एक उसमें आगे नए फॉर्म के जो सम है उसका रिविज़न करेंगे। सो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज ऑल्सो फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन। जो एग्जाम्पल दिखाया था वही मैं लिखता हूँ। 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 रिमाइंडर होगा, यानी कि 22 को हमें लिखना हो तो 7 इंटू 3 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्म में एक इक्वेशन हमें मिलता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स यानी कि ये जो डिवाइड कर रहे हैं वो, पी ऑफ एक्स यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन है वो, एंड ये क्या कहलाएगा आपका क्यू एक्स, ये क्या कहलाएगा आर एक्स। तो ये एक आपको मेथड सीखनी है यहाँ पे पी ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स की। ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिविजन करने का। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 2। कैसे सॉल्व होता है डिवीजन? सो पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, और हमारे पास दूसरा x प्लस 2 है। तो डिवाइड कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आपको एज्यूम करना, x को देखो यहाँ पे 2x को देखो, तो ये x है हमारे पास, उसमें से आपको क्रिएट करना है 2x स्क्वायर। यानी कि हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है, उनमें से हमें लाना है 2x स्क्वायर। तो हमारे पास 2 नहीं है, दूसरा x स्क्वायर है तो उसमें से x नहीं है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टर्म है उसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आया, 2x स्क्वायर आया प्लस 2 इंटू 2 क्या आया, 4x आया। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिखो, जो आंसर आया वो नीचे लिखो, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा आंसर आया। अब साइन को चेंज करेंगे, प्लस और माइनस कैंसल, प्लस 3x माइनस 4x, आंसर इज माइनस एक्स प्लस 1। अब हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस एक्स है, तो x प्लस 2 हमारे पास जो है वो लिख दो। उसके बाद x की जगह पे यहाँ पे क्या माइनस, तो ओनली माइनस 1 से साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो 2x माइनस 1 क्या हो गया हमारा क्यू ऑफ एक्स, ये जी एक्स ये पी एक्स। तो माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओनली साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गई, प्लस और माइनस कैंसल, प्लस 1 प्लस 3 आंसर इज प्लस 3, प्लस 2 प्लस, तो आंसर आपका आएगा प्लस 3। तो हमारा जो 3 आया वो रिमाइंडर है, तो उसको बोलेंगे रिमाइंडर। ये जो हमारा आया आंसर उसको बोलेंगे क्यू एक्स, यानी कि क्वेश्चन, एंड जो डिवाइड कर रहे हैं वो उसको बोलेंगे डिविडेंट, एंड ये जो है बोलते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। तो आपको एक इक्वेशन मिलता है कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चंस, क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स यही मेथड है हमारी, जो एक क्लास मेथड बाकी थी, तो यही एक मेथड है कि जैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि और आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे लेते हैं 2x रेस टू 4 प्लस 3x रेस टू 3 माइनस 2x रेस टू स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 माइनस 9x माइनस प्लस 2। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखो। पहले हमारे पास है 2x4, और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर को हमें 2x रेस टू 4 में करना हो, तो पहले तो कोएफिशिएंट देखो उसका 2 है, एक्स रेस टू 2 है, यहाँ पे ओनली एक्स रेस टू स्क्वायर है, तो एक्स रेस टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो पूरे इक्वेशन को हम एक्स रेस टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2x रेस टू 4 माइनस 3 2 6x स्क्वायर। तो आंसर मिला हमें
टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हमें, तो आंसर मिला हमारा 2x रेज टू 4। ये क्या आया, एक्स रेज टू स्क्वायर आया, तो जहां पे स्क्वायर है उसके नीचे ही उसको लिखो, माइनस साइन प्लस साइन ये कैंसिल हो गया, यहां पे बाकी रहा 3x रेज टू क्यूब, माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो 6 माइनस 2 आंसर इज 4x रेज टू स्क्वायर, बिग नंबर की साइन यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी रहा पूरा लिख दो। पूरा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह से होता है इसलिए हम पूरा ही लिख रहे हैं। अब हमारे पास है 3x रेज टू क्यूब, हमारे पास क्या है एक्स रेज डी जो हमारा क्यू पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ जी ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब 3x क्यूब बनाना है तो हमारे पास 3 नहीं है, एक्स स्क्वायर तो है, एक एक्स कम है, यानी कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3x के साथ, तो आंसर मिलेगा 3x रेज टू क्यूब, 3 3 9x, तो आंसर लिख दो यहाँ पे 3x रेज टू क्यूब और -9x, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस है तो वो भी कैंसिल हो गया, रिमेन्स पार्ट इज x रेज टू 4 -12। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर तो आ गया, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, तो प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12, माइनस साइन चेंज साइन चेंज आंसर इज 0, तो रिमाइंडर 0 रही यहाँ पे, और ये क्या हो गया उसका फैक्टर हो गया, क्योंकि 21 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहती है 0, यानी कि 21 के दो फैक्टर कौन से हैं 7 और 3, तो क्या हुए उसके फैक्टर हुए, तो इस तरह से हमें आंसर मिल सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। ये हो जाने के बाद चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 में क्या रिवीजन होता है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो लीनियर इक्वेशन मींस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि 5x+3 लिखा मैंने, 6x-1 लिखा, तो ये क्या हो गए हमारे लीनियर इक्वेशन हो गए। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फर्स्ट तो उसके 0 किस टाइप के होंगे, उसमें वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है वो, तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स यानी कि अननोन टर्म कितनी होनी चाहिए उसमें, 2 होनी चाहिए, तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन विथ ओनली 1 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स आएगा तो उसके लिए इक्वेशन आएगा आपका ax + by + c = 0, दो आने वाले हैं इसलिए a1 b1 c1, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ये हो जाने के बाद आपको एक रिलेशन समझना है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से VS क्यों आ सकता है और पूरा चैप्टर यही कॉन्सेप्ट पे है कि लीनियर इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड है, सेकंड जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, तो पहले हम ये बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, तो हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसमें पॉइंट लिखेंगे और जो सॉल्यूशन करता होगा पॉइंट, वो हम पॉइंट लेके उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा होगा आंसर। तो लीनियर इक्वेशन से ग्राफ कैसे हमें पता चलता है तो वो समझ लेते हैं, कि मैंने आपको बताया a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, फर्स्ट कंडीशन समझ लेना, अगर ये इक्वेशन में a1 / a2 ≠ b1 / b2, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसमें a और b है, a1 यानी कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 यानी कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये जो कोएफिशिएंट है वो हमें डिफरेंट होने चाहिए, दोनों कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे तो ग्राफिकल मेथड होगी, तो उसमें क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी आपको,
इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि मैं सिंबल से ही ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और उसको क्या बोलेंगे कि ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि आप, मैंने जो दूसरी मेथड बताई आपको, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो ऐसी मेथड अप्लाई करोगे आप ऐसे इक्वेशन के लिए, तो वहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ये समझ लो जैसे कि 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको मिल गए। तो हमारे a1 b1 c1 लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उसमें दोनों डिफरेंट होंगे तब की बात है, और ओनली वन सॉल्यूशन उसको मिलेगा ऐसे मेथड से सॉल्व करोगे। तो ये फर्स्ट जो है उसी तरह से, सेकंड कंडीशन तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, यानी कि दो इक्वेशन है बट दोनों इक्वेशन एक जैसे ही है, तो आपको पता ही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन यानी कि एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आएगी, इन उस ओवरलैपिंग करेगी, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आएगी, तो ऐसे इक्वेशन, और ऐसे इक्वेशन होंगे तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, और कितने मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। क्लियर? एंड लास्ट चीज, a1 a2 b1 b2 ये इक्वल है बट c1 और c2 इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, तो ऐसी दो पैरेलल लाइन मिलेगी, या तो फिर ऐसे आपको ये दो पैरेलल लाइन में ग्राफ मिलेगा, और ऐसे जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे उसमें। यहाँ पे लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कब, जब दोनों डिफरेंट होंगे तब, दोनों डिफरेंट होंगे तब लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ओनली वन सॉल्यूशन कहलाएगा वो। जब भी तीनों सेम होंगे तो लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक ही लाइन पे आई हुई दूसरी लाइन, तो उसमें मैनी सॉल्यूशन, आप जितनी एक्स की वैल्यू मुकते जाओगे उतनी आपको वाई की वैल्यू मिलती रहेगी। और थर्ड नो सॉल्यूशन, यानी कि a1 b1 a2 b2 ऐसे होंगे तो उसमें सॉल्यूशन आपको मिलेंगे नहीं। तो ये हमारी बात हुई कौन सी, तो ये ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सभी मेथड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये से आप पता कर सकते हो कि लाइन का इक्वेशन कैसा है, पैरेलल है नहीं। अगर एमसीक्यू में पूछेगा आपको कि किस तरह की लाइन है, पैरेलल है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पता लगा सकते हो कि ये किस टाइप का इक्वेशन होगा। जैसे कि दो इक्वेशन है आपके पास, 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वहाँ पे हम a1 डिवाइड बाई a2 फाइंड करेंगे, b1 डिवाइड बाई b2 फाइंड करेंगे, c1 डिवाइड बाई c2 फाइंड करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 2 आएगा आंसर। क्लियर? यहाँ पे माइनस यानी कि कॉमन माइनस लिख देते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 5 आंसर मिला, 5 डिवाइड बाई 2 आंसर मिला, लास्ट में 8 डिवाइड बाई माइनस 4, 4 टू 8, सो आंसर आया माइनस टू डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। तो तीनों आंसर कैसे है, डिफरेंट है, यानी कि a1 b1 तो फर्स्ट कंडीशन होगी, तीनों डिफरेंट है, हमें तो सिर्फ क्या देखना है फर्स्ट कंडीशन के लिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम होगा तभी कोई बात नहीं है, डिफरेंट होगा तभी भी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से ये कंप्लीट होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, कब, जब दोनों इक्वेशन सेम ही होंगे, यानी कि एक इक्वेशन में से कुछ कॉमन निकाल के दूसरे जैसा ही हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है, अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो आगे और डिटेल में क्वेश्चन, एक एक मेथड के एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।